ये देखिए, जीरो से एक नंबर के गोपाल जी के लिए शूज़ बूट्स हैं, ये इनका सोल है और ये इस तरह से, और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है और ये बनाने में भी बहुत इजी है। देखिए तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस बूट का बेस बनाएंगे, सोल। देखिए मैंने लिए 2.5 mm की क्रोशे हुक और सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और एक दो तीन और ये चार चैन बनाएंगे। अब जो सेकंड चैन है दूसरी, उसमें क्रोशे हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशे और ये जो लास्ट वाली चैन है उसमें एक सिंगल क्रोशे और ये दो सिंगल क्रोशे सेम चैन में बनाएंगे। और ये जो फर्स्ट वाली चैन है इस तरफ को, अब देखिए उसमें एक चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन, ये धागा भी साथ में बुनेंगे ताकि ये हाइट हो जाए। देखिए इसमें भी एक सिंगल क्रोशे और ये दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए जो हमारी चैन है फर्स्ट वाली, क्रोशियो को उसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। तो अब देखिए, अब एक और चैन बनाई और सेम इसी वाली जो फर्स्ट चैन है इसमें एक सिंगल क्रोशे और एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशे। अब देखिए ये राउंड में आ गए हम, तो इसमें एक सिंगल क्रोशे और इसी चैन में एक और सिंगल क्रोशे, यानी दो सिंगल क्रोशे बनाए। अगली चैन में भी देखिए, नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशे और सेम इसी चैन में दो सिंगल क्रोशे इस तरह से, और इससे नेक्स्ट वाली में भी दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम चैन में, एक और ये दो सिंगल क्रोशे, देखिए इस तरह से। और फिर अगली चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इससे अगली चैन में एक सिंगल क्रोशे और ये एक और सिंगल क्रोशे, मतलब दो सिंगल क्रोशे एक चैन में बनाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में जो टॉप पर, ये जो ऊपर जो ये सिंगल क्रोशे है ना, इसमें क्रोशे को डालेंगे और देखिए स्लिप स्टिच से इसे इस तरह जोड़ लेंगे। तो ये बेस बना हमारा। अब देखिए एक चैन बनाई, अब ये हर चैन के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का, तो इसमें हम बैक लूप में काम करेंगे। जो सबसे पहले ये वाली बैक लूप है इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह। नेक्स्ट वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशे, इस वाले राउंड में हर चैन में एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे बैक पार्ट में। ये फ्रंट है और ये बैक लूप में चैन की एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब देखिए जो फर्स्ट चैन है इस तरह से बनाया, अभी जो फर्स्ट चैन है इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे ऊपर, ये देखिए इस तरह से, और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ लेंगे इस तरह। अब देखिए इस तरह से एक चैन बनाई, फर्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए चैन के दो पार्ट हैं, फ्रंट और बैक, हमें फ्रंट में डालना है क्रोशियो को और नेक्स्ट वाली चैन में फिर से डालेंगे क्रोशियो को, और ये तीन लूप हो गए। अब इनको एक साथ निकालना है, आप इसे डिक्रीज करेंगे या घटाएंगे
फिर देखिए एक बार, और ये चैन में डाला फ्रंट में, और ये नेक्स्ट चैन में डाला। अब दो बार, अब देखिए नेक्स्ट में डालेंगे आगे, और ये इस तरह से तीन बार लटाया। अब देखिए अगली चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वाली में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए लास्ट में ये जो ऊपर जो चैन है, फर्स्ट चैन है, इसमें क्रोशे को डाला और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह। तो ये ऐसे बनेगा। अब फिर एक चैन बनाई, फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दो इस तरह से एक सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट में देखिए फ्रंट वाले पार्ट में डालेंगे, डिक्रीज करेंगे यहाँ से, और नेक्स्ट चैन में डालेंगे क्रोशे हुक, और एक बार इस तरह से घटाएंगे, नेक्स्ट फ्रंट में डालेंगे एक बार, और ऐसे दूसरी नेक्स्ट चैन में डालेंगे, दो बार घटाएंगे इस तरह से। अब अगली वाली चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे, ये वाली चैन थोड़ा टाइट कर लेंगे, एक, इसे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, इस तरह से बनेगा। अब देखिए लास्ट में जो ये फर्स्ट वाली चैन है ऊपर, ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये इस तरह से बनेगा। एक चैन बनाई, एक चैन बनाने के बाद अब ये जितनी भी चैनें हैं सब में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, एक सिंगल क्रोशे इस तरह से सब में, हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशे। अब देखिए लास्ट में जो है, एक चैन और है। अब देखिए लास्ट में जो ये फर्स्ट वाली चैन है, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, और एक चैन बनाएंगे, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा शूज़। अब इस थ्रेड को कट करेंगे, थोड़ा सा लंबा कट करेंगे ताकि हम सुई डाल सकें इसमें, और इसको खींच लेंगे इस तरह से, टाइट कर लेंगे, तो इस तरह से ये शूज़ बनेगा। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे क्रोशे हुक से। देखिए ये इसका बेस पार्ट बना, और इसका अपर, इस तरह से देखिए। देखिए धागे में सुई डाली, और इनको लूप्स में डाल दिए जाएंगे इस तरह से। ये हाइड कर लेंगे ताकि निकले ना, और कट कर लेंगे थ्रेड को। सेट करेंगे अपने शू को। अब देखिए जैसे हमने इसमें आउटलाइनिंग की हुई है किसी और डिफरेंट कलर से, वैसे हम इसमें आउटलाइनिंग करेंगे। देखिए अब सुई को इस वाली लाइन में ऐसे डालेंगे, और कच्चे टाके की तरह करते जाएंगे। ये थोड़ा थ्रेड छोड़ देंगे, गांठ नहीं मारेंगे इसमें, नॉट नहीं मारेंगे। और ये देखिए स्ट्रेट इसको, इसको कच्चे टाके की तरह स्ट्रेट करते जाएंगे।
इस तरह। अब ये जो गैप्स हैं इनमें इनको भरते जाएंगे, गैप्स में। इस तरह ऐसे निकालेंगे। इसमें नॉट नहीं मारेंगे, ऐसे ही लूप्स में डालते हुए इसको निकाल देंगे। ये निकलेगा नहीं, सिक्योर रहेगा। अंदर की तरफ से भी कट कर सकते हैं इसे, अंदर अगर आप कर सकते हैं तो इसको एक आध लूप में डाल सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे भी कट कर लीजिए। बहुत छोटा डिज़ाइन है हमारा, इसलिए ऐसे कट कर लीजिए। अब इसमें भी सुई डालेंगे, देखिए इसको भी लूप्स में डालते जाएंगे और निकालेंगे से, और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा, ये सेट करेंगे इसे। बहुत छोटा सा है, टाइनी सा शूज हमारा, गोपाल जी की बूट। देखिए ये हमारे शूज़ बन गए हैं गोपाल जी के। ये देखिए इनका बेस सोल, और ये इस तरह से बहुत ही क्यूट हैं और बहुत ही इजी हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।